आज हम बात करेंगे SAE नंबर की। जैसा कि हम लुब्रिकेशन पढ़ रहे थे, तो अब हम बात करेंगे SAE नंबर की। SAE नंबर की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SAE, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, है ना। एक सोसाइटी है ऑटोमोटिव इंजीनियर्स की, यानी कि इसमें कुछ मेंबर्स हैं, उनकी एक सोसाइटी है ना, वो रिकमेंडेड करती है SAE विस्कोसिटी नंबर को। किसके लिए? लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए, ठीक है। तो विस्कोसिटी नंबर हम देखिए, अगर मैं टेस्ट करता हूँ दीज नंबर्स, है ना, लुब्रिकेटिंग ऑयल आर फॉर विंटर यूजेस। अगर मैं विंटर यूजेस की बात करूं या कम टेम्परेचर की बात करूं, ऐसा एरिया जहां मुझे कम टेम्परेचर में, या इंडिया की अगर मैं बात करूं तो विंटर्स के लिए प्रॉपर लुब्रिकेशन ऑयल कौन सा होगा? 5W, 10W, 20W, SAE, है ना। SAE स्टैंड फॉर सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ठीक। तो ये वाला ग्रेड का ऑयल हम गाड़ी में डालेंगे, ठीक। और ये किसके लिए? 0 डिग्री फॉरेनहाइट के लिए, है ना, या 0 डिग्री फॉरेनहाइट या 0 फॉरेनहाइट भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं समर की बात करूं तो 20, 30, 40 SAE नंबर का लुब्रिकेटिंग ऑयल मुझे समर के लिए डालना पड़ेगा, यानी कि ऐसे एरिया जहां टेम्परेचर ज्यादा है, है ना, वहां मुझे क्या करना होगा? ये वाले ग्रेड के ऑयल यूज करने पड़ेंगे। अब अगर मैं बात करूं ये कितने टेम्परेचर के लिए वैलिड रहेगा? 210 डिग्री फॉरेनहाइट या 210 फॉरेनहाइट के लिए, ठीक। तो ये सारी रिकमेंडेड रहेंगी। अब जैसे मैं 5W की बात करूं तो इसकी ये विस्कोसिटी दिखा रहा है 0 डिग्री फॉरेनहाइट पे, है ना, कितनी होगी? 4000 मैक्सिमम। 10W के लिए 12000, है ना। 20W के लिए 48000 मैक्सिमम। और ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं समर के लिए, यानी कि हायर टेम्परेचर, ऐसी जगह जहां टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो 20, 30, 40 होगा, है ना। और ये विस्कोसिटी रेंज दे रखी है उसने, किस पे? 210 डिग्री फॉरेनहाइट पर, है ना, यहां से यहां तक 45 से 58, 58 से 70, 70 से 85, 85 से 110 तक, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ता है बेसिकली, अगर मैं गाड़ी में ठंडे ऐसी जगह चला रहा हूँ जहां पे टेम्परेचर कम है, तो मैं 5W, 10W, 20W यूज करूंगा, और ऐसी जगह चला रहा हूँ जहां टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो 20, 30, 40 ग्रेड के ऑयल यूज करूंगा। ये कौन डिसाइड करेगा? सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ठीक है, कि कौन से ग्रेड का आप लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करेंगे। अब हम एक प्रैक्टिकली बात सोचते हैं, क्या हमने कभी ऐसा सुना है कि विंटर के लिए ये लुब्रिकेटिंग ऑयल आएगा, समर के लिए ये लुब्रिकेटिंग ऑयल आएगा? हम जनरली कोई भी एक लुब्रिकेटिंग ऑयल लेते हैं और गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। हमने कभी भी प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखा है कि कोई ठंडों के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल अलग है, गर्मियों के लिए अलग है, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं होता है ना। अब हम बात करेंगे, इसमें भी सेम क्या प्रॉब्लम आ रही है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आगरा से चलना शुरू करें और जम्मू कश्मीर आप जा रहे हैं, है ना, तो आगरा के टेम्परेचर मान लो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप जम्मू में जाएंगे जब, तो वहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है या 3 या 4 है, तो आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल चेंज करना पड़ेगा, है ना। यानी कि आपने 20, 30, 40 इस ग्रेड का डाला हुआ गाड़ी में, जो भी स्पेसिफाई है ना। अब आप कहीं ठंडे उसमें जा रहे हैं, सिटी में जा रहे हैं, देश में जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? जैसे कि इंडिया का एग्जांपल दिया मैंने, गर्म एरिया से ठंडे एरिया में जा रहे हैं, तो आपको फिर ये ग्रेड चेंज करना पड़ेगा, है ना। W ग्रेड का 5W, 10W, 20W इस ग्रेड का आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल डालना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके सामने आई है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टी ग्रेड ऑयल बनाते हैं, है ना। ये मोनोग्रेड ऑयल में आते हैं, ये ऑयल किस में आते हैं? मोनोग्रेड ऑयल में। अब हम अगर मल्टीग्रेड ऑयल की बात करेंगे, देखिए मल्टी विस्कोसिटी ऑयल की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे होंगे?
ये दोनों के लिए हम प्रयोग में ले सकते हैं, यानी कि ठंडे एरिया में गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें भी काम करेगा, अगर हम हायर टेम्परेचर एरिया में गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें भी काम करेगा। ठीक, देखते हैं इसका आगे। ये देखिए, ये एक ग्राफ के थ्रू हमने समझा है, ये विस्कोसिटी और ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर घटने या बढ़ने से विस्कोसिटी की भी दर घटेगी या बढ़ेगी, है ना। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी हम ये कह सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं SAE 30, ये मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ, समर के लिए, हायर टेम्परेचर एरिया के लिए, और SAE 10W किसके लिए यूज कर रहा हूँ, विंटर के लिए, है ना, जहां टेम्परेचर लोअर है उसके लिए, है ना। अब मेरी सिचुएशन अगर ये है कि मुझे गर्मी में भी हायर टेम्परेचर एरिया से लोअर टेम्परेचर एरिया में जाना है, तो फिर मुझे लुब्रिकेटिंग ऑयल चेंज करना पड़ेगा ये मोनोग्रेड का। तो इसको, इसके अलावा मैंने क्या किया हुआ है, मल्टी ग्रेड ऑयल यूज कर लिया, यानी कि SAE 10W 30। 10W, W स्टैंड फॉर विंटर, है ना, दोनों में से किसी एक को स्पेसिफाई कर दूं तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरा समर के लिए है ना। अब आपका ये प्रश्न बन सकता है कि 10W 30S लिखना चाहिए था, एस स्टैंड फॉर समर, है ना, बट ये है कि यहाँ पे हमने किसी एक को स्पेसिफाई कर दिया है तो हमें दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। 10W ये 30S लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। 10W विंटर के लिए, लो टेम्परेचर के लिए, और 30 समर के लिए। तो ये देखिए, ये हमने दोनों का एक मीन ले लिया, इससे हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ये ऐसा लुब्रिकेटिंग ऑयल है जो ज्यादा लोअर टेम्परेचर पे भी सही लुब्रिकेशन करेगा, हायर टेम्परेचर रेंज पे भी, ज्यादा टेम्परेचर होने पर भी सही लुब्रिकेशन देगा इंजन को और इंजन के पार्ट को। ठीक, ये सर्विस रेटिंग दिखा रहे हैं, है ना, कैसे कैसे होती है। ये ऑयल एडिटिव्स हैं, है ना, ऑक्सीडेशन इनहिबिटर है। ऑक्सीडेशन इनहिबिटर का क्या काम होता है, फॉर्मेशन और गम और वार्निश ये बनाता है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जिंक, है ना, टिन, जिंक, ये सारी चीजें यूज करते हैं। तो आपको इसमें इजिली ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन इनहिबिटर का काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गम, है ना, एंड वार्निश, और इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आपको याद होना चाहिए। तो ये चार से नाम दिए हैं, इसमें एटलीस्ट आपको 2 से 3 नाम याद होने चाहिए। क्रोजन इनहिबिटर, इसका नाम से ही पता चल रहा है ना, क्रोजन के लिए हमने यूज किया है, क्रोजन मिनिमाइज हो, जंग कम लगे। तो ये मेटल सॉल्ट, तो इसका क्या काम है, कौन सा सॉल्ट यूज कर रहे हैं, वो आपको याद होना चाहिए। डिटर्जेंट ही है ना, ये डिटर्जेंट्स क्या होता है कि इसमें क्लीनिंग एजेंट की तरह ये काम करे, उसके लिए हमने क्या मिलाया हुआ है, आपका ये काम पता होना चाहिए और वो एडिटिव्स एटलीस्ट एक दो आपको पता होने चाहिए। ठीक, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। एंटी स्कफ एडिटिव्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, खरोच जो होती है ना, रगड़ खा के पिस्टन चल रहा है जो, उसके लिए लाभकारी है ना। ये विस्कोसिटी इंडेक्स इंप्रूव करता है ना, पॉलीमर्स के होते हैं, तो ये आपको याद करना है और ये एक वर्ड याद करना है। एंटी फॉर्मिंग एडिटिव्स, एंटी फॉर्मिंग क्या है, जो बबल्स बनते हैं उसको मिनिमाइज करता है, अगर बबल ज्यादा बनेंगे लुब्रिकेटिंग ऑयल में तो लुब्रिकेशन क्वालिटी कम हो जाएगी, है ना। तो ये आपको एटलीस्ट 7 एडिटिव्स हैं यहाँ पे, इसमें से आपको 4 या 5 याद होने चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ना, या ये 8, 9 ये भी दे रखे हैं कुछ, तो आप 4 या 5 या 6 तक आपको याद होने चाहिए, उनका नाम, उनकी वर्किंग और कौन सा यूज कर रहे हैं उसमें मटेरियल। चलिए, तो यहां तक हम पहले ले लेते हैं, इसमें अगर कोई भी आपको डाउट है फिर उसके बाद आगे चलेंगे।